हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं काजल कुकिंग। आज मैं सबके लिए नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाए हैं डाटा, सजनी डाटा और आलू की सब्ज़ी। तो चलिए हम किस तरह से बनाएं हम देख ले रहे हैं। चलिए आज हम बनाने वाले हैं सजनी डाटा का सब्ज़ी। तो इधर मैंने सजनी डाटे को इस तरह से छील लिए हैं, छोटे छोटे क्यूब काट लिए हैं। इधर मैंने दो आलू लिए हैं, उसके भी छोटे छोटे पीस काट लिए हैं। एक प्याज है और दो टमाटर है। तो चलिए अब हम कढ़ाई की तरफ चल रहे हैं। तो हम कढ़ाई की तरफ आ चुके हैं, तेल भी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा सरसों और जीरा का फूरन डाल देंगे। तो ये चटक चुका है, अब इसमें हम तेल में डाल देंगे और प्याज भी एक साथ डाल देंगे। इसे हल्का सा लाल करेंगे, हम फ्राई करेंगे। इसे फ्राई कर लिए हैं, इसमें हम आलू और टमाटर दोनों को ही डाल देंगे। इसे अच्छी तरीके से मिलाएं और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि मेरा टमाटर अच्छे तरीके से गल जाए। ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, अब सरसों पीस लिए हैं, अब इसे हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा तीखा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे और पानी डालकर इसे अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे 5 मिनट तक और अच्छे से मसाला फ्राई हो जाए। इसे हम 5 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो मसाला मेरा फ्राई हो चुका है और इसमें हम पानी डाल देंगे। इसे हम ढककर 5 मिनट तक छोड़ देंगे। देख ले रहे हैं हम सब्जी हुआ है कि नहीं, 5 मिनट हो चुका है। तो देखिए आलू को देख ले रहे हैं, आलू भी हो चुका है, सब्जी बनकर मेरा रेडी हो चुका है। गैस को कर देंगे बंद। अब इसे हम एक बॉल में सब करके दिखा रहे हैं। तो ये देखिए सब्जी बनकर मेरा रेडी हो चुका है, सब्जी को मैंने सर्व कर लिया है। अगर आपको भी अच्छा लगा तो आप भी इस तरह से बनाकर जरूर खाइएगा सजनी डाटे को। अच्छे खाने में अच्छा लगता है और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सजनी का डाटा खाना बहुत ही अच्छा होता है, इसमें प्रोटीन भी होता है, इसे खाना चाहिए सभी को। और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। तो फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।